ओके, मैंने अपनी पूरी लोकेशन ही चेंज कर दी है और अब मैं आ गया हूँ किसी और कमरे में जो शायद यहाँ वाईफाई आ जाए। आई हैव नो आइडिया व्हाट जस्ट हैपेंड। हमारी वाईफाई की कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप सबको पहले सबसे पहले बता दें कि आपकी आवाज आ रही है। क्लियरली माई फोन हैज समथिंग, लाइक आई वाज सेइंग, आई थिंक मुझे लगता है वाईफाई बेचारा जो है इंटरनेट जस्ट ब्रोक जब कुछ नंबर्स इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे थे एंड सडनली माई फोन स्टॉप वर्किंग। I'm just going to, I don't know क्या हुआ, I have no clue, एकदम से मैं अपने बाथरूम में आके बैठ गया हूँ, आई डोंट केयर, हम लोग यहाँ से भी कर लेंगे। मगर आपको अगर आवाज आ रही है तो I'm just gonna take Imran back, अभी मुझे इतना मजा आ रहा था and I have no idea के how we lost contact with Imran. Hello guys, the video got stuck. Yes, I know Shania, I did. आ रही है क्लियर आवाज आ रही है? Great. Yes, we can hear you. Great. I'm just going to wait for Imran to come back as well, because I don't know what happened. He's really cleared to like break our internet completely. And I'm just going to get him back. Assalamualaikum guys, how are you? Good to see you back. ये क्या हुआ था हमारे साथ? I don't know. मैं अभी इस वक्त आराम से मगन बैठा हूँ, तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ और एकदम से आपने आपने आपको पता ना आपने क्या किया? आपको पता ना एक किम कार्डाशियन ने ब्रोक द इंटरनेट और इंटरनेट आपने किम कार्डाशियन को तो बेस पसंद है लिखा हाँ किम कार्डाशियन को बेस पसंद थी, मगर आपको बेस ना पसंद होते हुए भी बेबी को आपकी जो थी ना वो बेस पसंद थी। और फिर एकदम से मेरे दिमाग से गाना भी निकला जब एकदम से तुम मिल गए। मैंने कहा, मैंने सोचा आज जाने की जिद ना करो, शुरू हो जाए फिर आज, आज हो जाए यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाँ क्या बात, क्या बात है। आप कुछ सुना रहे थे, हम कुछ सारे इकट्ठे मिलके कुछ सुन रहे थे और एकदम से अब मैं आपको ये बता चाहूं कि जरा से पहले ज्यादा साफ थी। अच्छा, मैंने हेडफोन्स निकाल दिए। अच्छा चले, अब आवाज हाँ कैसी आ रही है? बोल, खराब हो रही है कि सही हो रही है? नहीं, पहले से पहले ज्यादा अच्छी थी, बहुत पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी। पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, एकदम से सारी अच्छी अच्छी आ रही थी। ये क्या हो, कोई कह रहा है कैन आई सिंग विद यू रनवे डाउन राइट? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल हमारे साथ थोड़ा सा गा सकते हैं। अभी हम क्या पूछ रहे थे, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि इमरान के जो हिलिंग टैलेंट्स हैं वो लोग बताता नहीं है, मगर मैंने उसको एक दफा पकड़ लिया था गाना गाते हुए और मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके, और वो अवार्ड शोज पे कभी आता नहीं है, पता नहीं किस तरह तुम माने थे, अल्लाह कसम मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगे। मुझे याद है मैं मेरी टीम के पीछे बैठे हुए थे और अभी तुम आए नहीं थे, बैक स्टेज पे भी आए नहीं थे, मेरी टीम फोन पे थी कि सर आपने क्यों बुलाया इमरान, कभी अवार्ड्स पे नहीं आता, वो नहीं आता उन्हें। मैं और मैं था वो आएगा, वो आएगा और वो आ गया मोनिका। ओ माय डार्लिंग। अच्छा तू गा रहा था कुछ? हाँ वो तो गाना खैर रह गया बीच में, कोई और गा देंगे थोड़ी देर बाद। याद से फरमाइश कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद दोबारा, अभी आगे बात करते हैं। मैं याद से फरमाइश करूंगा, जरूर करते हैं। अच्छा अवार्ड शोज क्यों नहीं जाते? ओके, ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी दुनिया से नाराज ही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ शेरू, एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है, एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो क्रेडिबल हो। बिल्कुल, मैं उसमें कोई मुझे कहने में आर नहीं है, चाहे वो किसी चैनल के अवार्ड्स हों या चाहे वो किसी साबुन के अवार्ड्स हों। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं मिलता, प्लीज इस बात से निकल जाए, मैं अपने आप को कहता ही नहीं हूं कि मैं बहुत जगह पे मैं कहता हूँ कि यार मेरी नॉमिनेशन क्यों हो भी क्यों गई, जिस साइड पे नुमान एजाज जैसे एक्टर हों या जिसपे और बड़े एक्टर्स हों, तो मुझे तो वहां खड़ा ही भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत बड़े नाम है। लेकिन बहुत सी मैंने और बहुत से ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिलते हुए देखे हैं जिनको नहीं मिलने चाहिए थे, दूसरों को मिलने चाहिए थे। तो कई जगह पे मेरी नॉमिनेशन नहीं हुई, वो गलत थी, कहीं मेरी नॉमिनेशन हुई वो भी गलत थी, मेरे उससे बेहतर काम थे और उससे पहले भी काम थे।
तो अवार्ड्स पे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, तो इसलिए अब वहां जाके मुझे अपने आप को, मैं उस जगह से भी निकल गया हूँ कि जहां मुझे अपने आप को पहचानवाना है, जहां मुझे उस अपने आप को जहां खड़ा करके सबको बताना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ भाई, ये देखो और डायरेक्टर साहब मुझे काम दो, मैं भी अच्छा लग सकता हूँ अच्छे कपड़े पहन के टक्सीडोज में, तो ऐसी बात नहीं है, सबने मुझे जिसने देखना था वो देख लिया, अब मैं क्यों वहां जाके अपने एनर्जी वेस्ट करूं फ्रंट रो पे बैठ के दूसरों के लिए तालियां बजा बजा के पागल हो जाऊं, और वाह बहुत खुशी हुई किसी और के अवार्ड की, क्यों खुशी हुई भाई, जब नहीं हुई तो मैं एक नहीं फेक कर सकता, ठीक है मुझे पता है कि गलत अवार्ड जा रहा है, तो एक फेक सी जगह पे आप बैठ के बेकार के लोगों में तालियां बजा रहे हैं, एक अजीब अजीब परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप खुश हो रहे हैं जिनपे आपको, और आप जहां कैमरा आया तो आपने अच्छे एक्सप्रेशंस भी देने हैं कि एडिट में ऐसा ना हो कि गलत लग जाए, तो फायदा नहीं है। देखिए ऐसी जगहों पे कहीं भी आप जाके आप कुछ बेनिफिट आपको, या तो पैसे बड़े अच्छे मिले, अभी एक दुबई में अवार्ड्स हुए थे मैं उसमें चला गया इसलिए कि वहां पैसे मुझे अच्छे मिल रहे थे और एडवांस में मिल गए थे, बाकी लोगों को नहीं जाके मिले। भी नहीं मिले तो बड़े गुस्से हुए कि अरे उन्होंने तो हमारे साथ ये कर दिया, हमें तो जहाज का टिकट भी नहीं भेजा, भाई तुम लोग क्यों पागलों की तरह सारी दुनिया में जो अवार्ड हो रहे होते हैं मुफ्त में चले जाते हो, अपनी प्रेजेंस क्यों आप जाया कर रहे होते हैं, और ये आप भी चाहे एक और ह्यूस्टन में चीज सही अवार्ड हो, अनुराग। चाहे आपकी कनाडा में हो, या चाहे आपके लंदन में हो, जहां भी हो, खुदा का वास्ता आप पैसे लें, आप मुफ्त में मत जाएं, ये लोग आपके नाम पे टिकट बेच रहे हैं और आप उस जगह से निकल गए हैं जब आपको फ्री टिकट और आपको जहाज का बिजनेस क्लास वास को बिजनेस भी नहीं मिलता, और आपको मिल जाए और आपको 5 स्टार होटल में स्टे मिल जाए, तो आपके यहाँ चलो वीजा तो मिल गया, पेड वेकेशन है, क्या पेड वेकेशन, आप सबकी चेन खराब कर रहे हैं, आप उन लोगों की भी चेन खराब कर रहे हैं जिनको पैसे दे के वो कहते हैं चलो चार इन लोगों को बुला लो ऐसे भी हम, आप उन लोगों को जिनको पैसे मिलने चाहिए आप, आपकी वजह से पैसे नहीं मिल रहे, और उनको जो ये अवार्ड्स कर रहे हैं वो आप अपना शो बेच रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो ये क्या बकवास है, इसलिए आप सबको अब स्टैंड लेना चाहिए सारे एक्टर्स को जो जो वहां जा रहा है कि भाई मैं पैसे दोगे तो हम जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे, नोट बता। और हाँ नोट वखा मूड बने, अब आप वहां जाके अब आपने दुबई में जो पैसे नहीं लेके जा रहे थे तो उनके साथ जो सही हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, इसलिए कि दे आस्क फॉर इट, आप अपनी प्रेजेंस को इस तरह मुफ्त में ना जाया करें। मैं समझता हूँ कि ये भी एक, अगर आपको कोई कह भी रहा है, पर पता ही हुआ क्या कि दुबई के जब अवार्ड हो रहे थे, मैंने एक चीज नोट की कि जो जिनको बुलाया था और जो फिर वो नहीं गए, उन्होंने शोर इतना मचाया कि मुझे फिर क्या फील होना शुरू हुआ कि शायद जिनको नहीं, कुछ मैं जब गया तो बड़े बड़े सारे लोग थे, आप भी हाँ थे, मायरा भी थी, शरियार, यू नो, अली सर थे, तो एकदम से मुझे पता क्या फील हुआ, मैंने फील हुआ कि यार जिन्होंने इतना शोर मचाया कि वो नहीं गए, उनकी एकदम से लेवल और कैटेगरी भी हाँ चेंज हो रही है, वो अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। अगर आप अपनी वो बे नहीं अपनी कहा, हाँ हाँ, और दूसरे के हम अजीब एम्बैरस हो गए कि अरे इस वक्त तो मुझे अपनी एक्टर्स कम्युनिटी के साथ खड़े होना था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि वहां क्या तूफान पाकिस्तान में बचा हुआ है, मुझे तो जब वहां बैठ गया तो मुझे सबने बताया कि अरे तुम्हें पता है कि वो, मैंने कहा है अच्छा ये हो गया, अब तो बड़ी कुछ एम्बैरसमेंट होने लगी कि यार ऐसे मौके पर तो मुझे अपनी एक्टर्स फ्रेटर्निटी के खातिर नहीं आना चाहिए था, और ये लेकिन भाई एक्टर्स फ्रेटर्निटी को जब मैं फेसबुक पे चीख चीख के कह रहा था कि भैया इस वाले अवार्ड में मत जाओ, फलाने अवार्ड से मत जाओ, पैसे लेके जाओ, इस तरह मत अपने आप को, कि अगर उस वक्त किसी के जहन में नहीं आ रहा था, सब अपनी सेल्फियां ले लेके लगा रहे होते हैं कि जी हम तो जा रहे हैं बिजनेस क्लास में, तो कम ऑन यार कहां से प्राइवेट कहां आप दुनिया पहुंच प्लेन्स गई में। प्राइवेट प्लेन्स में, अब आप प्राइवेट प्लेन्स तो खैर से पहले शायद कभी नहीं हुआ लेकिन इस दुबई वाले से पहले, लेकिन उससे पहले आप जहां भी जा रहे होते हैं आप इतने खुशी खुशी जा जाके आप सिर्फ इसलिए कि आपको वीजा मिल गया बाहर का, और अब आप उस जगह पे नहीं है, आप अल्लाह का शुक्र है कि हर किसी की इस्तेदाद इतनी है कि आप अपने पैसों से फर्स्ट क्लास का टिकट और 7 स्टार का स्टे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सबकी मार्केट ना खराब करें ना। ये एक्टर्स की तुमने फ्रेटर्निटी की, तुमने कहा ये यूनिटी कोई फ्रेटर्निटी, यूनिटी कोई शुनिटी कोई नहीं है होती यूनिटी, कोई है है, यूनिटी, कहां यूनिटी, क्या यूनिटी है, कोई है कहां फ्रेटर्निटी? यूनिटी, प्लीज बड़ी माजरत के साथ बिल्कुल नहीं है, ऐसे मौके पर सबको फ्रेटर्निटी का भी ख्याल आ जा यूनिटी का भी ख्याल आ जाता है, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर किसी को नहीं होता। ना, और तुम्हारा ख्याल है कि ये ग्रुप बाजी हमारे फैशन में बहुत कही जाती है? आई डोंट नो कि अब कितनी हो गई, आई थिंक कम हो गई, मगर ग्रुप बाजी बहुत ज्यादा कही जाती थी कि लाहौर फैशन का तो मैं कराची बहुत कम फैशन का मैं ऐसा कम ही रहा। एक्टिंग में क्या ग्रुप बाजी है? ग्रुप्स ऐसे हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ दोस्ती हाँ करो तो फिर हाँ है बिल्कुल है बिल्कुल है, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि जिनके पास टैलेंट है और जो अच्छा काम करते हैं उनको फिर लेना ही होता है बाय ऑल मीन्स आपके प्रोडक्शन हाउस को, इसलिए उनको पता है कि इसकी मार्केट है और इसकी वजह से इनका प्रोजेक्ट बिकेगा, तो वो कितनी अपनी अपने
फेवरेट्स को जगह देने की कोशिश करें और स्टार बनाने की कोशिश करें, उनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन भी फॉलोअर नहीं होते, इसलिए कि वो उनको लोगों ने नहीं कबूल किया ना। आप कितने स्टार बना बना के ठूंस ठूंस के किसी को कर दें और ब्लॉगर्स उनके बारे में लिख लिख के जो है वो पागल हो जाएं कि क्या प्यारा बच्चा है या लड़की आई है। नहीं, अमेजिंग स्लेइंग, वो स्ले कर रही है, वो किल कर रही है, उसने रेड कार्पेट को खा लिया है, ये जो उसने सैटिन और नायलॉन का फ्रॉक जो पहन लिया है इसमें उसने किल कर दिया सबको, और ये जो एक साइड पे एक चुटिया लंबी सी आ गई है उसकी वजह से लोग बस गिर गए। आप और सड़क पे खड़ा करके उनको दिखा दें और आप दिखा देंगे कौन इसको, मैं स्टार उसको मानता हूँ जिसको एक रिक्शे वाला भी पहचानेगा, जिसको एक बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वाला भी पहचानेगा, जिसको फूल बेचने वाला बच्चा भी प्यार करेगा और प्यार करेगा, पहचानेगा नहीं, वो स्टार है। ये नहीं कि आपकी अपने चार लोगों के उसके अंदर आप उसको किसी को बना के और आपने उसको बिल्कुल एक म्यूज बना आप उसके आगे पूजना आप शुरू कर दिया और आपको अब घर से बाहर निकल जाए तो वो पूरा अपनी शॉपिंग करके भी आ जाए तो सिवाय घर के कुत्ते के और कोई ना पहचाने। प्लीज, इमरान अब्बास के अलावा स्टार और कौन है इस वक्त? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं तो बड़ा मैं अपने आप को कहीं इस कैटेगरी में नहीं लाता, मैं बस जो भी अल्लाह का शुक्र है, अगर वो स्टार कोई कहता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर कोई नहीं कभी कहेगा तो अभी मेरे दिल में इतनी सी देर के लिए भी कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ तुम स्टार हो, मैं कहता हूँ तुम स्टार हो, तुम्हारे अलावा अभी तुम्हारे ख्याल में स्टार कौन है? नहीं, वो मुझे रेस से निकाल ही दें। मैं मेरे ख्याल में सबा कमर इज अ स्टार, मेरे ख्याल में फवाद खान इज अ स्टार, मेरे ख्याल में माहिरा इज अ स्टार, who else? ये तीन तो हैं, और अली जफर इज अ स्टार, आतिफ असलम इज अ स्टार, क्यूट स्टार, पांच तो हो गए, शाहिद अफरीदी इज अ स्टार, वसीम अकरम इज अ स्टार, ये पांच छह लोग हैं मूवीज में आओ, मूवीज में आओ, अब सर मूवीज में आओ, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद, थ्री नेम्स, लड़कियों में सबा कमर, माहिरा खान, अली भी तुमने कहा, अली जफर, डेफिनेटली अली जफर इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, वेरी पॉजिटिव, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही अच्छा लड़का, वेरी हार्ड वर्किंग अली, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको, दिल से मैं उसको प्यार करता हूँ, और बहुत हार्ड वर्किंग लड़का और बहुत अच्छा एक्टर है, कई जगहों पे तो मुझे उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है कि मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये शायद मैं परफॉर्म ही ना कर पाता, इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया, तो ये है हमारे बिग स्टार फवाद की इतनी फैन फॉलोइंग इंडिया में और इतना उसको प्यार करते हैं लोग और उसको बहुत उसने कम काम किया और बहुत सिलेक्टिव काम किया, तो ये है लड़कियां हमारे पास आयजा निकल कर आ रही है, आयजा को बहुत प्यार मैं देखता हूँ कि बहुत उसको प्यार करते हैं, वो उसको डिजर्व करती है वो मोहब्बत, लेकिन लड़कियों में हमारे पास सबा और माहिरा, इनके अलावा मुझे रीमा, मतलब देखिए रीमा खान मेरा ख्याल है इन सब में सबसे बड़ी स्टार, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो उस वक्त से इंडस्ट्री में जब वो लॉलीवुड का गोल्डन एरा था, गोल्डन के बाद वाला एरा था जब लोगों ने फिल्में देखनी भी छोड़ दी, तब भी वो एग्जिस्ट करती थी और अभी भी रीमा जिस जगह पे खड़ी हो जाती है वहां सारी लड़कियां को आउटशाइन कर देती, बिल्कुल, और अभी भी वो ऐसे जो बात कर रही होती है उसको लोग उस तरह देखते हैं, जो तुमने एक बात की थी ना, फूल वाला भी जानता है, कोई सेठ भी जानता है, कोई रिक्शे वाला भी जानता है, हर बच्चा भी जानता है और बड़े भी जानते हैं, अम्मी भी जानते हैं, अबू जानते हैं, सब जानते हैं रीमा को, सब जानते हैं। मुझे याद है हमने जब अपना एक अवार्ड शो जो मैंने डायरेक्ट किया था उसके अंदर इतने स्टार से इतने लोग थे, मगर जो मैजिक था ना, जो मीडियम अवार्ड की उसने अपना हाथ इस तरह किया होता, उसकी शक्ल नजर आई थी, खत्म, अवार्ड शो खत्म हो गया था, एंड वहां मुझे याद समझ आई कि स्टार पावर होती क्या है, होती क्या है, अनबिलीवेबल, कोई और अपने इस तरह जितना मर्जी वो उठा ले, वो कहेंगे कोई बात नहीं बीबी अंदर से वापस ही डाल लो, वापस ही डाल लो। मायरा मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक मायरा स्टार के साथ साथ उसके अंदर जो एक पर्सनैलिटी है इट्स ऑल्सो बहुत अच्छा, उसने अपने आप को अपने मुल्क को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हर जगह, चाहे वो लॉरियल हो या चाहे वो इंडिया हो, फिल्म के हिट फ्लॉप होने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, शाहरुख की भी फिल्में पिछले कई हिट नहीं हो रही लेकिन शाहरुख के स्टारडम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मायरा का भी कोई मेरा नहीं ख्याल कि मायरा की फिल्म अगर कोई कहता है कि हिट नहीं हो रही या उसको ये रोल करना चाहिए वो नहीं रोल करना चाहिए, प्लीज कम ऑन यार, मायरा इस वक्त हमारी सबसे बड़ी स्टार है और इसका माहिरा और सबा कमर, और इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। सबा, ओके, तुमने दो नाम जो नहीं लिए जिनके बारे में पूछना चाहूंगा, एक तुमने नाम ले लिया महवेश हयात का,
हाँ महविश 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 और एक तुमने अच्छा और एक तुमने नाम ले लिया शान का. I was about to say this. मैंने जब रीमा का नाम लिया था तो मैंने यही मैं कहने वाला था फिर आपकी बात आगे लेकिन या फिर वो कुछ हो रहा है वही हो गया कुछ आगे हो गया शान शान अब इस तरह से शान शान और उससे पहले जो मैं यही बात करता हूँ रीमा को भी मैं रीमा भी बहुत प्यारी दोस्त है कि बाबरा शरीफ रईफ के बाद जो स्टारडम था ना वो रीमा पे आके खत्म हो गया मतलब वो फिल्म का जो ऑरा था ना फिल्मी एक्ट्रेस का और वही मुराद के बाद शान के बाद वो चैप्टर क्लोज फॉर गुड. तो रीमा पे मेरा भी चैप्टर बंद है तुम हो ना यहाँ गए तो नहीं ना. हाँ ना मेरे तुम्हें पता तुम्हें जिस तरह जिस तरह इंडिया में मुझे लगता है कि हम माधुरी दीक्षित के बाद या श्रीदेवी और माधुरी के बाद वो वाली हीरोइंस या फिर वो करीना तक आया था थोड़ा सा लेकिन उसके बाद वो बात नहीं आई. तुम्हें लगता है कि माधुरी के बाद और कोई भी यू डोंट थिंक एनी ऑफ द न्यू स्टार्स के अभी लोग इतनी बात नहीं करते वो, हैं. वो हैं मतलब जिस तरह दीपिका को लोग कहते हैं करीना को कहते हैं करीना मुझे बहुत पसंद है लेकिन करीना मैं यही बात करूँ करीना तक वो बात आई लेकिन उसके बाद जो लड़कियां आ रही है ना वो बड़ी गर्ल नेक्स्ट डोर वो उनको लगता है कि वो आप उनसे बात भी कर सकते हैं उनको मिल भी सकते हैं लेकिन ये वाली जो हेरेंस थी ना ये लगता था कि ये आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है एक लार्जर देन लाइफ जो इमेज होता था ना वो एक वो और मेरा पहले वो इन बड़े नामों के बाद खत्म हो गया. मगर याद ये जो तुमने जो बात की ना गर्ल नेक्स्ट डोर अब ये आई एग्री विद यू कि शायद गर्ल नेक्स्ट डोर शायद हमारे काफी लोग गर्ल नेक्स्ट डोर लगते हैं मगर उनके जो है आई डोंट नो कि किसका नेक्स्ट डोर पे ऐसी लड़कियां रहती हैं बिकॉज इफ यू लुक एट द न्यू एक्ट्रेसेस आई डोंट नो कि कौन सा नेबरहुड जहां ऐसे लोग रह रहे हैं दे उनके अंदर एक सेंस ऑफ बहुत वेस्टर्ननेस है देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ ये भी कर दो एक आई थिंक हम लोग शायद कल्चरली थोड़े से कंजर्वेटिव हैं और शायद कंफ्यूज्ड हैं कंफ्यूज्ड भी हैं थोड़े से. हां कि आप न्यूयॉर्क में या दिल्ली में या मुंबई में या पेरिस में एंड इन शहरों में आप जितना मर्जी कर लें फर्क है ये हर शहर में फर्क है हमारे कल्चर हर शहर फर्क है. और मैं मतलब आप बॉम्बे में जाके देखें तो आपको वहाँ स्कर्ट्स में लड़कियां मिलेंगी जाती हुई तो वहां इसलिए वो कैरी करना जानती हैं उनको पता है कि जब कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनती है तो वो उसके ऊपर वल्गर नहीं लगता लेकिन हमारी वाली क्योंकि वहां उससे नहीं आई होती एक्सेप्ट अ फ्यू उनके ऊपर वो वल्गर लगने लगता है इसलिए कि वो कैरी कर नहीं पा रही होती है उसको. और कुछ पे बहुत अच्छा भी लगता है कुछ पे बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ पे लगता है कि वो जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रही है जो कि कुछ अजीब से कहीं बीच के कुछ बीच किसी जगह पे कहीं रह जाता है सब कुछ. और मैं यही बात करूं है ही क्या हमने पूछा कल्चर है ही क्या व्हाट इज कल्चर टू यू. कल्चर डेफिनेटली देखिए कल्चर जो है वो वक्त के साथ 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 बदलता भी है. अब का कल्चर उस वक्त के कल्चर से बहुत फर्क है. अब इंटरनेट ने आपकी टेक्नोलॉजी ने आपकी इन सारी चीजों ने एक पूरा ग्लोबल विलेज बना दिया आपके. लेकिन अभी भी आप ये माने कि आप जब कोई लड़की मोटरसाइकिल या स्कूटी पे निकलती है तो उसको मुड़के दो अभी भी देखते हैं. यह है कल्चर हमारा कि आप अभी भी आपके ऊपर 10 निगाहें जो है ना वो यूं करके जा रही होती हैं. और ये बड़े अफसोस की बात भी है कि भाई अब इस चीज से आप निकल आए कि अगर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो रही है कुछ है तो उसको आप लेकिन अभी भी एक गंदी सी नजर जो है ना हमारे यहाँ लोगों के अंदर वो एक बड़ा अफसोस होता है मुझे कि मैं अक्सर जा रहा होता हूँ तो मैं उस आदमी को बड़ी गंदी सी नजर से देख रहा होता हूँ कि शायद वो थोड़ी देर के लिए एम्बैरस हो जाए. लेकिन यहाँ अभी ये फर्क है. हर मुल्क के शायद कुछ इलाकों में होता हो ऐसा भी हो वहां भी होता होगा लेकिन ये चीज है. और वही बात के लेकिन आप जिस तरह आयजा को देख लें आयजा कभी आपको ऐसे कपड़े में नजर नहीं आएगी और लोग और उसको लोग कितना प्यार करते हैं उससे कितना कनेक्ट करते हैं और उससे कितना रिलेट करते हैं कि उसकी उसकी भी वो मैसिव फैन फॉलोइंग है उसके 5-6 million फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. और शी वाज द ओनली एक्ट्रेस जब फेसबुक पे सिर्फ हो रहा होता था इंस्टाग्राम भी तो शी हैड 6 million फॉलोअर्स फेसबुक के पेज पे जब किसी के नहीं थे आज से 6-7 साल पहले. इसलिए कि उससे लोग मोहब्बत करते हैं उसकी उसके सारे अटायर की वजह से उसके बिहेवियर की उसके एटीट्यूड की वजह से उसकी पूरी चाल चलन रख रखाव की वजह से. तो अभी भी लोग आइज़ा को देख के मुझे क्या लगता है आइज़ा की बात करें बात तुम्हारे इंटरव्यू था मगर आइज़ा की मैं क्यों तारीफ करना चाहूंगा आइज़ा को मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है यू नो बोथ ऑफ देम आई हैव इंटरव्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा मगर आइज़ा का मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है हमारा एक इंडस्ट्री जो है जो मर्जी आप कर लें चाहे आप कपड़े बना रहे हो चाहे आप उनके लिए ज्वेलरी बना रहे हो चाहे आप खाना बना रहे हो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है
और हमारी ऑडियंस है पाकिस्तानी, और हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी के कुछ रखरखाव हैं, उनके कुछ कल्चरल, उनके कुछ नॉर्म्स हैं, और वो मेरे हाल से सबसे अच्छी चीज लोगों के लगती है, जो आप आपकी आपके वालदा और वालदेन को भी अच्छा लगे, आपके भाई बहन को भी अच्छा लगे, आपको वो बहन की सूरत में भी नजर आए, बीवी की सूरत में भी नजर आए, दोस्त की सूरत में भी नजर आए, बहू की सूरत में भी नजर आए, हर बंदा कहे कि हाँ मैं चाहूंगा कि मेरी जो वो मैं उससे रिलेट कर सकूं। आयजा के अंदर और माहिरा के अंदर ऐसी बात है, और मायरा की मुझे हमेशा ये अच्छी बात लगती है कि वो इतना अच्छा, उसको पता होता है कि किस वक्त क्या बोलना है, किस वक्त क्या जवाब नहीं देना, किससे किस तरह किस वक्त रिएक्ट करना है, किस तरह नहीं करना, और शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत ज़हीन लड़की है, और ये उसका जो ब्रेन है ना वो नजर आता है कि वो बोलते में, आप तो बड़ी आपको खुशी होती है, आप बड़े सेफ होते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान की अगर ये लड़की वहां गई है तो वहां कोई बावलापन नहीं करके आएगी, वो कुछ अच्छी तरह इज्जत रख के आएगी। So, एम्बेसडर बनेगी हमारे लिए। हाँ, जबरदस्ती की अंग्रेजी बोलना या कुछ और ऐसा कर देना कि जिससे आप लगे कि आप इंटरनेशनल हो गए, वो ऐसा नहीं है, वो क्लास फैक्टर जो होता है ना वो कहीं और से ही आता है, और उसके लिए वो ये बड़ी जरूरी बात है कहना कि बहुत से लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से एकदम से क्लास फैक्टर आ जाता है। हसन, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं शायद इस पे बहुत एक अलग से आपके साथ एक सेशन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि यार लोगों को, देखो हम सब बायलिंगुअल हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि हम ऐसी इंडस्ट्री में रह रहे हैं, इस तरह हमारा ब्रॉटअप हुआ, हम ऐसी स्कूलिंग हमारी हुई, हमारे आसपास मेरे सारे फॉरेनर्स ही रहते थे मेरे घर के इधर, मेरे एम्बेसी रोड के पास घर था, लेकिन मुझे कभी भी इस बात पे फख्र नहीं है कि मैं चार लफ्ज अगर अंग्रेजी के बोल लेता हूँ या चार गलत और दो सही बोल लेता हूँ। मेरा फख्र हमेशा हमें हमारी जबान पे फख्र होना चाहिए, खुदा का वास्ता अब ये वक्त आ गया है कि आप अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग, जिस एक्ट्रेस को नहीं आती, मेरी एक और दोस्त है जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं तो कहता हूँ कि प्लीज तुम लोगों के सामने एक दफा इकरार कर लो कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती और तुम उर्दू बोल सकती हो, तो लोग इतना प्यार से इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारी इज्जत और बढ़ेगी लोगों में। कोई दो जापानी जब जापान से बाहर मिलेंगे तो वो अंग्रेजी में नहीं बोल रहे होंगे, वो जापानीज में बोल रहे होंगे, किसी फ्रेंच को अंग्रेजी आना कोई फख्र की बात, वो फख्र से अपनी फ्रेंच बोलते हैं, टर्की चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कहीं भी। हमारे इतने कॉम्प्लेक्स बेचारे लोग हैं कि अभी तक ये समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी आती है शायद वही क्लासी है, या शायद वही अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, या वही एक पढ़ा लिखा है। कितनी खूबसूरत लगती है उर्दू जबान जब बोली जाती है, और उसके अच्छे लफ्ज को इस्तेमाल, मीठी, और उसके अंदर जो एक वेट है आपकी अपनी जबान का, वो कितना खूबसूरत होता है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे कोई लेक्चर देने शुरू कर देना चाहिए इस चीज के ऊपर कि भाई उर्दू बोलो और फखर से बोलो, और लोगों को बताओ कि ठीक है इंग्लिश आना अच्छी बात है कि आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी जबान की, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ना आपकी इनसिक्योरिटी, ना आपकी एहसास कमतरी, ना आपकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ना आपकी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अपनी जबान बोलना एक बहुत एक सेंस ऑफ डिमांडिंग ऑफ रिस्पेक्ट भी है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है। अभी मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी अलमारी के साथ चिपके हुए बैठे हैं, और जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी अलमारी के साथ ही चिपका हुआ बैठा हूँ। बताता चलूं, जो अभी हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हुआ क्या था कि मैं अपने यूजली सेट बना के जहां बैठता हूं और लाइव में तेजस वाया करता हूं, वहां मैं बैठा हुआ था, मगर वो बात करते करते हमने किसी तरीके से गिर गया, सेट तो आई है, डिसमेंटल हो गया, इंटरनेट वहां टूट गया। इमरान ने कहा कि मैं थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ, और एकदम से तो मुझे वहां आना पड़ा, जहां और दूसरी जगह जहां वाईफाई आता है वहां, वो मेरे बाथरूम में, तो डजंट मैटर कोई। सीरियसली, मेरे भी सबसे अच्छा वॉशरूम में आता है, और मैं अगर शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे कि ये कौन सी वीडियो चलने वाली, लेकिन अलमारी खोल के दिखाऊं। इमरान, लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। इस वक्त इतने ज्यादा आई नो के प्रोजेक्ट्स नहीं निकल रहे, मगर तुम हमेशा किसी ना किसी नई चीज पर काम कर रहे हो, ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, एंड किसके साथ? यार मैं एक्चुअली एक फिल्म कर रहा था जिसकी 15th ऑफ मार्च में से मेरी काम शुरू होना था, मतलब उसकी इनिशियल उसकी ट्रेनिंग और उसकी जो रिहर्सल्स वगैरह थी, और पाकिस्तान में नहीं थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक, अच्छा मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। गोरा प्रोजेक्ट, तो अब मैं उसका बहुत अच्छे से इंतजार कर रहा था, और मैंने बहुत पहले इसको अनाउंस भी कर दिया। गोरा प्रोजेक्ट एन से होता नहीं होता?
हाँ शायद शायद उस पे भी हो, वो भी कुछ लेकिन हुआ ये था कि उसमें मेरा एक कैरेक्टर, मैं एक स्पाई का रोल कर रहा था, एक टर्क मोरक्कन स्पाई का रोल कर रहा था, और सब कुछ एक बड़ा अच्छा, वो सब चीज सीजन शुरू हुआ। अब जब राउंड द कॉर्नर है वो, तो उसकी वजह से मेरे मेरे पास एक और फिल्म भी आई थी पाकिस्तान की, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने छोड़ दी। तो बहरहाल डेट्स भी कौन सी क्लैश हो रही फर्दी, थी, कौन पता सी फर्दी नहीं, वो बताओ मैंने बताओ एक बताओ। देरी, बस रहने देने दे, वो मुझे फोर्सफुली रहने, क्योंकि वो मैं जिस जिसने मुझे कहा था तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने मैं उनके लिए हाँ कर छोड़ी दी थी, कैसे, लेकिन उसके बाद बस अकल आ गई बस कहा कि मैंने नहीं करनी। बस मैंने कहा नहीं करनी। नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या, और पैसे भी नहीं है, तो प्लाना भी नहीं, तो मैं ऑलरेडी मैं बहुत तंग आके बैठा हुआ था, तो मुझे भी कोई बहाना चाहिए था, और शायद उनको भी मुझे मुझसे जान छुड़ाने का कोई बहाना ही चाहिए था तो वो सुन रहे होंगे, वो ज्यादा प्रॉब्लम। खुश नहीं होंगे। तो मैं अब नहीं, प्लीज उनको, अब मैं मजीद लोगों को खुश नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। मैंने ये फैसला कर लिया है कि आई हैव स्टॉप्ड प्लीजिंग पीपल नाउ, बाय बाय कोई फर्क टाटा। नहीं पर, प्लीज जिसको मैंने खुश करना है वो मेरी मेरे उस कमरे में है जो मेरी वालदा है, बस, और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में जिनको मुझे खुश करके। मैं इस इंडस्ट्री की आपको की बता दूं, एक रूल बता दूं, कि अगर आप अच्छे हैं तो आप किसी के साथ कितना ही बुरा कर लें आपको काम मिलेगा, और अगर आप बुरे हैं तो आप कितना ही प्लीज कर लें दूसरे को, वो आपकी तरफ पलट के नहीं आएगा। तो अपने काम से अपने आप को प्रूव कर दें, बाकी खुश करने से कोई फायदा, किसी को नाराज भी कर दो तो सही है यार, किसी के दोस्त अगर नाराज होना है तो वो दोस्त ही क्या जो नाराज हो गया आप किसी बात पे, और जो नाराज हो गया, जो दोस्त नहीं था उसको तो चले ही जाने चाहिए लाइफ से। सो आई सीरियसली डोंट केयर एनी मोर। मैं बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट और बड़ा डिप्लोमेटिक बाज दफा बोलता था कि नहीं सबके लिए अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अब मेरे अंदर वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। वाड़ा में जाओ यार, दफा हो जाओ। ठीक है, दैट्स वेयर यू आर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो तुम काम कर रहे थे, इसके अंदर तुम्हारे साथ कोस्टार कौन था, या है, या होगा, कुछ तो बता एक दो। है वो भी बहुत बड़ी अदाकारा है। तो बहरहाल वो अभी, वो नाम नहीं उसकी बताओ फिफ्टींथ उधर। ऑफ मार्च, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, अभी वहां की चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, अगर आपको राशि भी लीक हो जाए बात है तो वो शायद आपके हाथ से भी चला जाए वो प्रोजेक्ट, इसलिए कि उतनी सीक्रेसी और इतना ज्यादा वो होता है, जब तक तो ऑफिशियली आप अनाउंस ना करें या कुछ। तो मैं भी पहले एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बोल दिया करता था, लेकिन बाद में उसका मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो वो चीज मेरी 15 मार्च से शुरू हो रही थी, वो सब कुछ रुक गया फिर, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मगर वो अल्लाह की मसलहत होती है, मेरी वालदा की तबीयत, मेरे पापा की डेथ, और सारी चीजें इतनी बैक टू बैक थी कि मैं अभी कर भी नहीं सकता था वो। अब वो सारा हर चीज ही आगे हुई है, अभी मुझे पता नहीं कि वो कब तक आगे जाएगी। उससे पहले मैं टीवी पे कुछ नहीं कर रहा हूँ 2020 के लिए। क्यों मैं यार मैंने क्यों शुरू क्यों इतना कर लिया, टीवी इतना कर लिया है कि अब मुझे कोई चीज एक्साइट ही नहीं करती, और जब तक मुझे अब कोई चीज में बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं मिलेगी मैं नहीं कर सकता। मैंने आखिरी कुछ प्रोजेक्ट्स, आखिरी नहीं, आखिरी से कुछ पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिनमें मुझे लगता था कि यार पैसा अच्छा मिल रहा है तो चलो कर लो, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, एक वक्त आके आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए, और फिर आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपका दिल करे, इसलिए कि जो मैंने बनाना था अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया अपने लिए। सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर, एंड अभी फिलहाल मुझे अभी 2020 में, तो मैंने अभी तक फिर पापा की डेथ के बाद मैंने कुछ भी साइन इसलिए नहीं किया था कि मुझे मेरे पता था कि मम्मी को अकेली, कि मैं मम्मी और पापा होते थे घर में, तो मुझे उनको मेरी बहुत सख्त जरूरत थी और है। तो अभी मैं जब तक 100% रिकवर नहीं हो जाती मैं किसी चीज को टेकअप कर ही नहीं सकता बिल्कुल, मैं सारे सारे दिन उनके साथ होता हूँ, और आई थिंक दिस इज माई प्रायोरिटी इन लाइफ नाउ, सो एवरीथिंग इज गोइंग वे डाउन। Is Imran Abbas in love? नो No? नहीं, नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वक्त मैं है, नहीं कहूंगा मुझे वक्त अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने वतन से प्यार है, वो सब कुछ वो नहीं, मैं वो उस बात प्यार की बात करो जो आप पूछना चाह रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वतन से प्यार है, और इतना प्यार है कि आप सोच नहीं सकते ऑनेस्टली। मगर अभी प्यार मैं, नहीं। मुझे इतनी ऑप्शंस मिली हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, यहाँ की इमिग्रेशन फलाना, ये मैं कहता हूँ भाई मुझे मरना ही है, मैं तो सोच ही नहीं सकता किसी और जगह पे जाने की, मैंने दुनिया का एक एक कोना देख लिया है, और अब मैंने सोचा है कि भाई नहीं। मैं उस वक्त भी, मैं जब वहां आता हूँ मैं 8 दिन बाद कहता हूँ वापस घर आना है, मुझे अपने जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, यहाँ लोग ये कहेंगे जी ये कौम ऐसी है फलानी है सब कुछ, जो कुछ है यार मेरी है, मैं ही हूँ कौम और मैं ही इसको ऑन करता हूँ, कुछ हो जाए मैं यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता।
मैंने देखा है कि फैंस और अभी मुझे कोई बीबी है कोई कह रही है कि आप अपने एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं बताता चलूं कि मैं अपने हाथ से फोन पकड़ा हुआ है और हाथ से इस तरह फोन पकड़ना जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें बड़ी दर्द होती है, तो इसलिए मैं हाथ बोल रहा हूँ। नहीं मुझे माइंड नहीं करता मगर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें कि दूसरे लोग जो घर पे बैठे हैं जो बोर हो रहे होते हैं जिनको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है, जो हम लोग क्यों मुझे फोन करके मैं तुझे क्या कहता था, मैंने कहा था इमरान हमें मौका मिल रहा है किसी को डिस्ट्रैक्ट करने का, थोड़ा सा इंस्पायर करने का, थोड़ा सा मोटिवेट करने का, वरना अगर टेलीविजन और न्यूज ऑन करें तो लगता है कि पूरी दुनिया सब बस मर रहे हैं और अच्छी खत्म सब बस मर रहे हैं खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए इसलिए इसको पकड़ के कर रहा था, मगर मैं देखता हूं कि हमारे फैंस के साथ साथ कुछ होते हैं जो प्यार करने वाले होते हैं ट्रोल वाले भी बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को ट्रोलिंग करने का शौक है और हम लोग ट्रोलिंग को कभी और हम रोकते नहीं है रोक अभी भी देखो अभी कोई बीबी है कोई पता नहीं कुछ अजीब सी बातें लगती हैं इस तरह की, मैं उनपे थोड़े से मुझे तर्स आता है वो बेचारी जो है ना ये जो नेगेटिविटी होती है ना मुझे वाकई तर्स आता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बेचारे जिन लड़कियां जिन घरों में जाएंगी बर्बाद कर देंगी उनको और मतलब और सबसे पहले अपने आप को बर्बाद करेंगी और लड़के भी। मतलब ये हाँ एग्जैक्टली ये लड़की अगर आप बीबी की बात करते हैं ना इसलिए और मैं लड़कों की भी बात करूंगा कि ये जिन जो बेचारियां इनके साथ आएंगी उनको सत्यानाश कर देंगे उनकी जिंदगी है, ये नेगेटिव सबसे पहले नेगेटिविटी आपको अपने अंदर खुद खा जाती है, आपका सबसे बड़ा जो है ना आप जिसको नुकसान हो रहा था वो आप अपनी 10 बातें अच्छी होंगी आप एक बात उसमें से निकालेंगे, अरे ये फला यार खुदा का वास्ता आप मैं उस दिन किसी और से भी बात कर रहा था और उसमें अगर आप लोगों में ऐप ढूंढना शुरू हो जाए तो हजरत अली का कॉल है कि आप अकेले रह जाएंगे, इसलिए अगर आपने अगर ये ढूंढना शुरू कर दिया कि मेरे फलाने के अंदर ये है ये है ये, आप ऐसा 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 करके सिर्फ आप अकेले कमरे में बैठे होंगे और दीवार से सर मार रहे होंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए कि हर किसी के अंदर ऐप है, तो ये इतनी हमारे अंदर एक चीज बढ़ गई है, आप यूट्यूब पे कुछ देख लें, आप किसी टॉक शो पे उठा के देख लें, आप किसी होस्ट को देख लें, वो सारा होस्ट वो शो अच्छे वो टीआरपी वो गेन करेगा वायरल ही वही होगा जिसके अंदर वो आप किसी की बुराई कर देंगे या आप किसी की, तीनों में से अच्छी एक्ट्रेस कौन है, इसका मतलब है कि आप दो को आप बुरा कह रहे हैं और बड़ा लेकिन आप ऐसा 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 करके एक इतनी अजीब सी डिबेट और उसके बाद फिर आप वो फलान दूसरा एक्टर आपसे नाराज हो जाएगा फिर एक अजीब सी वॉर चढ़ेगी फिर वो उसको कुछ बोलेगा फिर वो बोलेगी फिर एक यही शोज हैं यही हमारी आवाम का वो है कि आप अब देख लीजिएगा इसके अंदर बीच में कितनी चीजें आई होंगी कि अच्छा शायद इमरान अब्बास को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा वो इसलिए ये बकवास कर रहा है, हाँ हाँ मेकअप तो बहुत करता है ये देखें आई मेकअप किया हुआ है और भाई ये मेरी डिस्कलरेशन बचपन से ही मेरी आंख के ऊपर है मुझे पढ़े भी नहीं जा रही है जो लिख रहा है मेरे हाल से मेरा फोन जो है ना मैं भी नहीं पढ़ रहा मैं बहुत दूर हूँ मैं बात करूँ ऐसे जरूर हो रहा होगा नहीं नहीं मैं आपको बताऊँ एक बहुत ज्यादा लोग बहुत इस वक्त मैं तुम्हें बात बताऊँ इमरान मैं हमेशा जब कर रहा होता मैं लोग सब समझता हूँ कि वो करेंगे, मैंने देखा कि बहुत लोग जो ट्रोलिंग करने वाले हैं उनके अंदर भी थोड़े से या वो गायब हो गए या प्यार करने वाले लोग ज्यादा हो गए, अगर आप देखें लोग लिख रहे हैं यू आर ग्रेट मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द वर्ल्ड वी लव यू बहुत शुक्रिया भाई हेलो इतनी तारीफें हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता सर यू आर माई हीरो सर इतनी तारीफें हैं मैं तो बता नहीं सकता अब्बास अब्बास इमरान अब्बास वी लव यू सो मच यू सेव अस बहुत शुक्रिया थैंक यू जी जितने भी लोग यहां हैं अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है भाई भाई आपका फोन अंगूल की तरह रख लें सॉरी यार मैं नहीं रख सकता मेरे आगे कोई काउंटर नहीं है मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ और वरना मैं ना हिलाता है फोन मगर मैं ये मौका मिस नहीं करना चाह रहा कुछ मुझे पता है कि फिर से मौका मिलेगा नहीं मैं इमरान से बात करने का शायद बाद में मिल जाए मगर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा है कि मैं उससे बातें करूं तो मैं यहाँ भी बैठने के लिए तैयार हूँ और बेचारा वो भी बर्दाश्त कर रहा है यार मैं मुझे तो पूरी रात बातें करा लो तुमसे तो मैं पूरी सारी जिंदगी बातें कर सकता हूँ शेरू लोग कहते हैं वी लव इमरान अब्बास माय हस्बैंड एंड मी से इमरान अब्बास मोस्ट नेचुरली ब्यूटीफुल गाय यू आर अमेजिंग अरे वाह थैंक यू बिलियन टाइम्स कबूल है मुझे आप इमरान भाई आपकी आईज आर वेरी ब्यूटीफुल नाइस कन्वर्सेशन कीप गोइंग अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू फ्रॉम कनाडा वी लव यू I mean, इतनी तारीफें कि मैं इसको देखें ये ऐसे लोग भी होते हैं ना ये अच्छे और ये वो वाले लोग हैं जो खुश लोग हैं जिंदगी में अपने अपने घरों में खुश हैं और अपने साथ जितने लोग होंगे उनको भी खुश रखते होंगे इनकी अपनी जिंदगी अभी पुरसुकून होंगी आप यकीन करें जो नेगेटिविटी होती है ये आखिर में बीमारियां बन बन के आपके जिस्म से निकलती है ये आपके सेल्स जब नेगेटिव हो जाते हैं तो ये कैंसर वैंसर ये सारी चीजें जो होती है ना वन वे और अनदर आपकी बीमारी ब्लड प्रेशर जलन फलाना आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं किसी की कीड़ा निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली आप अंदर से अपनी
आपके अंदर देखिए एक बड़े मजे की मैं बात बताऊं आपको, टाइम है ना कि एक एक आदमी था उसको उसके पास एक प्याला था और किसी ने उसको धक्का दिया। मैं कोशिश और तुम बोलते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वापस जगह पे जाऊं जब मैं फोन रख सकूं, बोलते जाओ, अल्लाह करे वहां से चलता रहे। तो उसके प्याले में एक दूध का प्याला था, वो उसको किसी ने धक्का दिया, वो दूध उससे गिर गया। इसमें कसूर किसका था? जो दूध गिरा उसने कहा कि यार इसलिए कि मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन असल में क्या था कि उस प्याले में से दूध इसलिए गिरा कि उस प्याले में दूध ही था। तो अचानक आपकी जिंदगी में कोई भी सर्कमस्टांसेस या कोई भी ऐसा झटका लगता है तो आपके अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। अगर आप कोई किसी को गाली देता है उसका मतलब आपके अंदर गालियां ही भरी हुई है। अगर आपके अंदर कोई गुस्सा या कुछ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इतना गंद जमा हो चुका है कि आपको जरा सा कोई मौका मिलता है तो आपके अंदर से गंद निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, हा हा क्या खूबसूरत, वाह वाह क्या लाइट है भाई, डार्क बैकग्राउंड एंड बैलेंस्ड लाइट, माय गॉड कैसा लगा, चमक क्या रहे है? नहीं वहां भी प्यारे लग रहे थे। बहुत शुक्रिया तुमने कह दिया, वरना मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहाँ ही बुरा लग रहा हूँ, यहाँ ही प्यारा लग रहा हूँ। अच्छा पता है मुझे डार्क बैकग्राउंड और लाइट बैकग्राउंड को कुछ पता नहीं था, मेरे पास बैकग्राउंड ये पड़ा था जिसके ऊपर मेरा लोगो लगा हुआ था। तो तो ये है कि बहरहाल यार लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगियां, दूसरों की भी जिंदगियां अच्छी करें, उनमें से अच्छाइयां ढूंढें, अपनी जिंदगी में अच्छाइयां ढूंढें, नेमतें ढूंढें। ये लोग वो हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी में से भी सिर्फ कीड़े निकालते हैं, हाय बाजी आज तो बड़ा घुटनों में दर्द है, वो ये नहीं सोच रही होती कि आज आपको नजर भी अच्छा आ रहा है, आज आप सुन भी रहे हैं, आज आप हाथ भी ला रहे हैं, सांस पूरा ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, सब कुछ, लेकिन आपने ऐसी भी शक्ल बनानी है कि गोड्डे रह गए ना। सो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपके पास है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों को अब्सॉर्ब करें, वो गिनें, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी आप अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खूबसूरत रहे इमरान अब्बास। थैंक यू। तुम एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे और नेक इंसान हो। इस वक्त मैंने एक नया हैशटैग यूज बनाया और मैं अपने सोच रहा हूँ कि क्वारंटीन के अंदर बहुत से स्टार्स को ये सोचना चाहिए, और आई थिंक बहुत से ऐसे हैं बिकॉज जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ तो सारे ऐसे हैं। इट्स कॉल्ड हैशटैग नेक नॉट फेक। वाह 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 वाह, कल नेक बनाया था, कल नेक, ये मारे वासी ने बताया था। ओ मारिया का सेंस ऑफ ह्यूमर इज किलर, कंप्लेन नहीं कर रहा, बहुत लोग और मुश्किल काम करते हैं, मगर फोन को इतना रखना बाथरूम के आगे भी, वो लाइट के अंदर मेरे बाजू जो थे, जितनी मर्जी मैं एक्सरसाइज कर लूं मेरे घोड़े रह गए, तो इसके मैं यहाँ आ गया हूँ। क्यों और इसलिए भी आया हूँ कि मैं बैठ के आखिरकार तुम्हारा थोड़ा सा गाना सुनना चाहता हूँ। तो अभी हमें जाने से पहले, even though I don't want to let you go, but it's 12 o'clock and I know that you've been with me for an hour and a half, but bahut maza aaya, pata bhi nahi chala, magar jaane se pehle kuch gaa ke suna de. Kya yaad nahi aa raha, abhi main taiyar nahi tha. Acha although बिल्कुल नहीं लगने चाहिए गले आजकल, लेकिन लग जा गले के फिर यह ऐसी रात हो ना। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद अब इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद अब इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से
वाह Imran, really, really beautiful. And पता क्या, this is one of my favorite songs. और मुझे तो I don't know. और आंटी का भी favorite है. ये बताएं. हाँ. आंटी का है ना? अगर वो सुन रही है तो देखा आंटी ये आपको dedicate किया मैंने. अम्मी इतनी खुश होंगी ना इस बात पे, इतनी खुश होंगी कि उनकी अभी तबीयत ठीक हो जाएगी. वो मैं नीचे अभी जाऊंगा ना उनके पास, रुकेंगे बस मेरा बेटा वेट ठीक हो गई है. वो तो तुम्हें पता है, तुमने पहले बनाया हुआ, वो तो पहले तुम्हें तब प्यार करती हैं. कुछ अपने फैंस के लिए तो आखिरी कोई मैसेज देना चाहोगे? यार बस यही कहूंगा, बार बार मैं यही कहता हूँ कि जिस तरह मैं सब अभी पूरा का पूरा यही बात कर रहा था कि प्लीज पॉजिटिव रहिए, प्लीज पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए. बार दफा ऐसी ऐसी बातें इम्पॉसिबल जो आपको लग रही होती हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं सिर्फ आपकी सोच की वजह से. तो अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचें. और ये जब आप लेयर्स अपने अंदर से उतारेंगे ना नेगेटिविटी की, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कितनी प्यारी चेंज आती है. आपको रब मिलना शुरू हो जाता है, आपको एक मैं बड़ी और तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है, आपके ऊपर कायनात की नई चीजें खुलना शुरू हो जाती है. वो तब कि जब सबके लिए अच्छा सोचेंगे और आप अंदर से ये गंद निकाल देंगे अपना, जो कि एक नेगेटिविटी की शक्ल में आपके दिलों में जमा होता है. आपके नहीं, मतलब नहीं होगा, डेफिनेटली किसी के दिलों में होता है. मैं भी बहुत खामियों से भरा हुआ एक इंसान हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं. तो एटलीस्ट आप भी अटेम्प्ट कीजिए. और ये बड़े अच्छे दिन है रमजान के, इनको जाया ना जाने दीजिए. बिल्कुल, ये बड़ी नेमत है जो अभी जो क्वारंटीन हमें जो मिला है ना, ये मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है. इसमें आपको इतना कुछ मिल सकता है आपको खोया हुआ कि आपको अंदाजा नहीं है. आपको अपना आप मिल सकता है, आपको अपने प्यारे मिल सकते हैं, आपको अपना रब मिल सकता है. तो प्लीज उसको ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए और अपने प्यार करने वालों को ढूंढिए. क्या बात है, क्या बात है इमरान. मैं दुआ करूंगा आज भी और हमेशा कि तुम्हारी अम्मी हमेशा सलामत और ठीक रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे. आमीन. और तुम भी हमेशा आपकी अम्मी की. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और आप सब जो देख रहे हैं, आप सबकी वालदा, पेरेंट्स, मदर, फादर, सारी फैमिली, अल्लाह करे सबको अल्लाह मियां सेहत दे, सबको खुश रखे. और ये रमजान मुबारक जो है, महीना हमारा सबके लिए एक अच्छा महीना गुजरे इंशाल्लाह. आप सबको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सबका कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे साथ वक्त गुजारते हैं और मुझे मौका मिलता है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये मेरे लिए है कि मुझे अपने दोस्तों से कुछ बातें करने के लिए कोई वक्त निकल जाता है और उनको मेरे लिए, और हम इस वक्त में आपके साथ शेयर कर लेते हैं तो आप आते हैं और आप देखते हैं. तो इसी में आपका बहुत शुक्रिया इमरान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार. थैंक यू शेरू, बहुत बहुत. और मैं हाँ बिल्कुल इंतजार करूंगा कि जब ये क्वारंटीन खत्म भी हो, उसके बाद भी हम जब दोबारा कनेक्ट हो सके होते रहेंगे. जरूर, अगर बुलाऊंगा तो आओगे? एनी टाइम यार, तुम तो ऐसी जगह पे मुझे बुला चुके हो जहां मैं कभी नहीं जाता था, मैं आ गया हूँ, ये तो घर की बात है. थैंक यू इमरान, यू आर अमेजिंग. अपना ख्याल रखना, आंटी को मेरा बहुत. तुम भी अपना ख्याल रखना. थैंक यू, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. गाइस, सो दैट वाज इमरान अब्बास. और इतना मुझे मजा आया, अल्लाह करे कि आप लोगों को इतना मजा आया हो. हमारी दो कॉन्वर्सेशन हुई थी, पहले हम बात कर रहे थे तो इतनी ज्यादा लोग आ गए थे, एकदम से वो डिस्कनेक्ट होकर चला गया. और अभी भी आप लोग इतने ज्यादा आए. अस्सलाम वालेकुम जी, आई रियली अप्रिशिएट सब लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे थे. मैं आपको बता नहीं सकता कि जब भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है तो मेरे सवाल पूछने का अंदाज भी जो होता है वो फर्क हो जाता है. पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हम एक दूसरे को किसी भी जरिए एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं. हम सबको बड़ी जरूरत होती है. आप प्लीज दुआ कीजिएगा, ना सिर्फ मेरी वालदा के लिए और उनकी वालदा के लिए, आप सबके लिए. इस वक्त हमें सिर्फ अच्छी अच्छी दुआओं की और अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है. इमरान अब्बास, तुम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही लविंग एंड बहुत ही केयरिंग इंसान हो. और अल्लाह करे कि तुम्हारी सारी जो बात आज तुमने की है, स्पेशली जिस तरह तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखते हो, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो और जिस तरह तुम सच्चे दिल के हो, अल्लाह करे कि ये बातें जो हैं सबको याद रहें और हम लोग उन सब पे अमल कर सकें. एट द एंड ऑफ द डे हम सारे एक दूसरे के लिए क्या हैं, एक जरिया हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए. अगर उसमें किसी तरीके से हम किसी तरीके से आपके काम आए तो अल्लाह करे कि आप वो उसको कोई फायदा उठा सके उसका. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. एंड इंशाल्लाह मैं आपको कल मिलूंगा. कल हमारे पास दी किंग ऑफ बॉक्सिंग आमिर खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन आ रहे हैं. बहुत बड़ी फख्र की बात है कि वो भी आ रहे हैं. और सब दोस्तों के साथ मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो अपना वक्त इस वक्त कैसे गुजार रहे हैं. अल्लाह हाफिज़.